Thank you.
आज सारी पृथ्वी हिंसा निष्ठुरता लोभ लालसा से त्राही त्राही हो उठी है। क्या हम अपने ही विनाश की ओर चल पड़े हैं? इस धरा पर कलयुग का साम्राज्य प्रलय की ओर अग्रसर है। विज्ञान और चिकित्सा की अत्याधुनिक उन्नति ने मनुष्य का जीवन अत्यंत सुखप्रद बना दिया है, परंतु क्या यह अभूतपूर्व उन्नति शांति और संतुष्टि की रचना करने में सक्षम है? क्या हम इस अवस्था से मुक्त नहीं हो सकते? क्या हम एक स्वस्थ संतुलित एवं शांति प्रदायक जीवन व्यतीत नहीं कर सकते? अब समय आ गया है अंतिम निर्णय का, समय आ गया है आत्मज्ञान प्राप्त कर स्वयं को और संपूर्ण विश्व को विध्वंस से बचाने का। सभी विध्वंसकारी शक्तियों से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए एवं धर्म की प्रस्थापना हेतु युगों युगों से अनेक ऋषि मुनियों ने इस धरा पर जन्म लिया है। उन्होंने विश्व शांति की प्रस्थापना एवं संपूर्ण मानव कल्याण के लिए अपने आप को उत्सर्ग कर दिया। संपूर्ण शांति का एकमात्र स्रोत है परमात्मा की सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति, जो विश्व की प्रत्येक जीवंत क्रिया को कार्यान्वित करती है। इस अनंत प्रेम की शक्ति से योग स्थापना करने की महत्ता का वर्णन प्रत्येक ऋषि मुनि ने किया है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने इसी योग की महत्ता को दर्शाते हुए कहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तु मां ये जना परियुपासते तेषां नित्याभियुक्तानं योगक्षेमं विहम्यहम्। आत्मा का जब परमात्मा के साथ योग घटित होता है, तब आत्मा परमात्मा के प्रेम से आलोकित होती है। श्री गौतम बुद्ध ने इसी प्रकाश धारा का वर्णन किया, एकमात्र इसी योग का प्रकाश सत चित आनंद की अनुभूति दे सकता है। चीन के महान गुरु लाओसे ने इसी आध्यात्मिक जीवन के लक्ष्य की गाथा गाई है। यह बात हमें स्पष्ट रूप से समझ लेनी होगी कि केवल एकमात्र योग की स्थापना द्वारा ही साधक इस नव जागरण को प्राप्त कर सकता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म होता है। वही द्विज है, इसी पुनर्जीवन को जीसस क्राइस्ट ने बैप्टिज्म का नाम दिया।
महान पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था कि कयामा के समय मनुष्य के हाथ बोलेंगे। अतः ईश्वर की प्रेम शक्ति या शीतल स्पंदन जब साधक के केंद्रीय स्नायु तंत्र से प्रवाहित होती है, तब मनुष्य चेतना के चतुर्थ आयाम पर उत्तीर्ण होता है। तब वह अपने एवं दूसरों के सूक्ष्म तंत्र की गतिविधियों को अपनी दोनों हथेलियों पर अनुभव कर सकता है। गुरु नानक जी एवं शिरडी के साईनाथ ने मनुष्य के अंदर इसी प्रेम की जागृति का संगठन स्थापित करना चाहा था। आजकल हजारों लाखों की तादाद में सत्य को खोजने वाले सभी साधक सहज योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की अनुभूति एवं ईश्वर की सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति का आनंद उठा रहे हैं। परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी ने सन 1970 में सहज योग की संस्थापना की। In the world of this nonsense that we are living, we have to be something like the lotuses, who cannot be tarnished, who cannot be affected by all the ills that are going on. This is what is the test, is the pariksha. That at this time, at this difficult time, we can blossom and create fragrance and get so many others to this beautiful atmosphere. अब हमें वन में जाकर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। हम सांसारिक जीवन यापन करते हुए भी सहज योग द्वारा ईश्वर की सर्वव्यापी प्रेम शक्ति से एकाकारिता प्राप्त कर सकते हैं। घर पर प्रतिदिन सुबह और शाम ध्यान करने से एवं सप्ताह में केवल एक दिन सामूहिक रूप से ध्यान केंद्र पर ध्यान करके मनुष्य का धीरे धीरे आध्यात्मिक उत्थान होता है। आजकल सभी उम्र के लोग चैतन्य लहरियों का आनंद ले रहे हैं। सहज योग ध्यान केंद्र पूर्णतः निशुल्क है। So you have to only learn how to make this connection perfect and whole being to be purified. Now for that you don't have to go to Himalayas or do any kind of penance, sacrifice, fasting, nothing. It's not needed at all. Only thing, you have to come to the collective. We have very simple type of collective because we don't take money or anything. You can't pay for it. So invaluable that you can't pay. How much will you pay? How much do we pay to Mother Earth for these beautiful flowers? Can't pay for it. So people who are sahajogis have somehow or other gathered a little money and they have a little place where they are having meditation for them. It's a humble place. You should humble down and come there and join the collective. Once you join the collective, you'll be amazed that you'll be cleansed automatically. Automatically you'll be cleansed. Also they'll tell you how to meditate at home. Just try and you'll be amazed that you are really glorious, you are really beautiful, and there is a purpose to our life. We are not born just by chance. There's a very big purpose, and when you discover that, you know your value and your identity. सह अर्थात साथ में और जहां जन्म हुआ। संस्कृत भाषा में सहज शब्द का अर्थ है सहजात अर्थात साथ में जन्मा हुआ। योग अर्थात परमात्मा से एकाकारिता जो संपूर्ण जीवंत क्रिया को परिचालित करती है। यह योग मनुष्य के अंदर शुद्ध इच्छा शक्ति अथवा केवल एकमात्र कुंडलनी जागरण के माध्यम से ही घटित हो सकता है। यही कुंडलनी शक्ति जागृत होकर ब्रह्मरंध्र को छेदती हुई परमात्मा की सर्वव्यापी प्रेम शक्ति से मिल जाती है। यह शक्ति 3.5 कुंडल के आकार में मेरुदंड के नीचे त्रिकोणाकार पावन अस्थि अथवा सेक्रम में सुप्त अवस्था में रहती है। हर मनुष्य के अंदर 3 नाड़ियों इड़ा पिंगला और
सुषुम्ना नाड़ी का सूक्ष्म तंत्र है और 7 चक्र हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य अपनी हथेलियों पर और सर के तालु भाग पर शीतल चैतन्य लहरियों का अनुभव कर सकता है। साधक एक अद्भुत निर्विचार चेतना की स्थिति में चला जाता है तथा दिव्य शांति एवं मौन के अनुभव में खो जाता है। तब उसका बायां और दायां पक्ष अथवा ईड़ा और पिंगला नाड़ी के साथ मध्यपथ अथवा सुषुम्ना नाड़ी का संतुलन स्थापित होता है। साधक सभी प्रकार के संतुलित जीवन का अधिकारी हो जाता है। नियमित सहज योग ध्यान धारणा से मनुष्य अंतर्मुखी हो उठता है। स्वतः ही हमारे विचार शांत होने लगते हैं। हम एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं जो निर्विचार समाधि कहलाती है। एकमात्र निर्विचारिता की स्थिति में ही ध्यान संभव है। हम अपने सम्मोहन द्वारा अथवा कल्पना करके या फिर बहुत मन लगाकर भी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित महान वैज्ञानिक सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस निर्विचारिता की स्थिति को वैक्यूम का नाम दिया है। इसी स्थिति में मनुष्य ज्ञान के अथाह सागर में डूब जाता है। Now in Sahaja, many people have been cured of cancer, no doubt. Also of AIDS, they are cured. So many people have been cured. It's not, I'm not telling you something false. But for that, one has to understand that there is some power beyond us. Something much beyond. Like Einstein himself has said, that there is a kind of an area, which he calls as torsion area, which you will see in one of these things, torsion area, which is beyond our human personality. He calls it, we have to be a vacuum ourselves. We should not exist anymore a physical, emotional or a mental being. When you go beyond that, if there's a vacuum, then only you can feel the torsion area. He's clearly said it. But he was a realized soul himself. So whatever he says, people want to doubt, to see whether it is. So with rationality we start doubting. But not to believe in Einstein shows how arrogant we are. After all, Einstein is saying there must be some in it. No. Put your left hand towards me, comfortably. Put your feet apart from each other. And now, put your right hand on your heart and close your eyes. Here you have to ask me a very important question. In your heart, you ask me a question as you would ask a computer. You can call me Shri Mataji or Mother, whatever you like. Mother, am I the spirit? Ask the question in your heart, not loudly. 3 times ask in your heart, not loudly, Mother, am I the spirit? You have to only ask in your heart. If you are the spirit, you become your own guide, you become your own master, you become your own guru. So now take down your right hand into the upper portion of your abdomen on the left hand side. And here you have to ask another question 3 times, not loudly, in your heart,
Mother, am I the spirit? Mother, am I my own master? Mother, am I my own master? Ask this question 3 times. Am I my own master? I have told you that I respect your freedom, and the pure knowledge cannot be forced on you. So please take your right hand in the lower portion of your abdomen and say it 6 times, asking me, Mother, please give me pure knowledge. I cannot force on you. You have to ask in your free will. As soon as you ask for the pure knowledge, the kundalini starts moving upward. So now we have to nourish the higher centers with our self-confidence. Raise your right hand in the upper portion of your abdomen. Press it hard on the left-hand side. And here with full confidence you have to say 10 times in your heart, not loudly, Mother, I am my own master. Please say this 10 times. Mother, I am my own master. I told you at the very outset that the greatest truth about you is that you are not this body, you are not this mind, you are not these conditionings, emotions, nor this ego, but you are the spirit, you are the pure spirit. So now raise your right hand onto your heart and ask here, or say with full confidence, 12 times, Mother, I am the Spirit. Just say it without any hesitation. Say it 12 times, please. For your information, you have to know that the divine power is the source of knowledge, is the ocean of knowledge, is the ocean of love. It is the ocean of peace and ocean of bliss. But above all, it is the ocean of forgiveness. So you cannot commit any mistake which cannot be dissolved by the power of this ocean of forgiveness. So please raise your right hand in the corner of your neck and your shoulder. Push it back as much as possible and turn your head to your right. And with full confidence, please say 16 times. Full confidence in your heart, Mother, I am not guilty at all. All right.
As I told you before, that you have to forgive everyone. And those who say it is difficult, they must know that it is a myth whether you forgive or don't forgive. But if you don't forgive, then you play into the wrong hands and get yourself tortured by yourself. So please forgive. In general, everyone, not counting how many people you have to forgive, what you have to forgive, but just say, by raising your hand and putting it on top of your forehead across, putting down your head as much as possible, resting on your hand, please say, with an open heart, please say, Mother, I forgive everyone. Please say, otherwise it is difficult later on for me. I have to clear out everybody's agya and it takes too much time then. So best is to say it from your heart. After all, you are not going to miss your self-realization for that. Now, take back your right hand on the back side of your head and put your head on it, resting on it, upward. Here you have to say for your own satisfaction, O Divine, if I have done any mistakes, please forgive me. But don't feel guilty. Don't count your mistakes, don't think about them. In general you have to say, O Divine, please forgive me if I have done any mistakes or anything wrong, anything against you. Now, stretch your palm and put the center of your palm on top of the fontanel bone area, which was a soft bone in your childhood. Now, put down your head properly. And here, push back your fingers as far as possible. Please push back, this is very important. And now put a pressure on your scalp and move your scalp slowly, 7 times clockwise. Here again I respect your freedom and I cannot force self-realization on you. So here you have to say 7 times, bending your head properly and pressing it hard, moving 7 times. Mother, please give me my self-realization. Please ask 7 times, please. Thank you.